देखो भाई, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर. होलो स्फीयर मतलब होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग. सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमको. क्या मतलब है इसका? देखो भाई, है अपने पास ये होलो स्फीयर, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया, से प्लस क्यू है ना. यूनिफॉर्मली चार्ज अपने कितना दे दिया? क्यू. इसकी रेडियस है कैपिटल आर. अब हमने जैसे पढ़ा था, दो चार्ज पार्टिकल को आर डिस्टेंस पर रख देते थे तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी के क्यू स्क्वायर बाय आर. ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी, है ना. तो मतलब कोई भी दो पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी. अब ये भी तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं सर्टेन डिस्टेंस, तो ये सब भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे. तो इन इस पूरे सिस्टम की, ये जितने भी चार्जेस जो है इसमें जो स्प्रेड है, इन सब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे बताओ? इस पूरे सिस्टम की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन सारे चार्जेस की एक दूसरे के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ठीक है, पर उससे क्या आया? तुमने इन दोनों चार्ज की निकाली, इन दोनों चार्ज की निकाली, इन दोनों चार्ज की निकाली. अब इन दोनों चार्ज में सिर्फ इन दोनों की थोड़ी ना है, इधर 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 इस एक चार्ज को पकड़ लो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हर एक के कारण आएगी ना. तो सिर्फ डायमेट्रिकल अपोजिट नहीं ले सकते, वो पूरी नहीं देगा, वो तो कुछ पर्टिकुलर चार्जेस की देगा. पूरे सिस्टम के लिए जो चाहिए तो हर एक चार्ज की बाकी सारे चार्जेस से निकालनी पड़ेगी. बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, वो इंटीग्रेशन इतना खतरनाक हो जाएगा ना. करके देखना घर पर. यहाँ पर तुम डी क्यू मानोगे, फिर यहाँ पर मानोगे, कैसे डिफाइन करोगे एलिमेंट? कर सकते हो, असंभव कुछ भी नहीं है. असम नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बिल्कुल कर सकते, ये एक तरीका है, वो एक सही तरीका है. बैठो. बिल्कुल ये एक सही तरीका है. तो भाई मैं इसकी तुम्हें अभी तीन मेथड बताता हूँ ना, तीन तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले लिखो मेथड नंबर वन. ये मेथड एससीबी में दी हुई है, जो मेथड नंबर वन है हमारी, है ना. कंसेप्ट ऐसे ही होते हैं, हर एक क्वेश्चन को कई मेथड से करो तो हर बार कुछ नया दिखता है, कुछ अलग कंसेप्ट दिखता है. देखो यहाँ पे तीन तरह के कंसेप्ट देखेंगे अपन. मेथड नंबर वन क्या कर रहे हैं भाई? मान लो अभी ये सॉलिड होलो स्फीयर है, इस पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है. मान लो इनिशियल कितना चार्ज है? जीरो. तो अब तुम धीरे धीरे करके इन्फिनिटी से डी क्यू का चार्ज करके इस पर लेके आने लगे. समझ में आया क्या? मान लो कैपिटल क्यू 100 कूलम है, 100 कूलम है, इनिशियली 0 कूलम है. तुम धीरे धीरे करके 1 कूलम चार्ज ला के, इनिशियली 0 है तुम्हें कितना डालना है? 100 कूलम डालना है मान लो. तो क्या करें? सबसे पहले तुम इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लेके आए और इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे में. ऐसा नहीं एक जगह नहीं रखा, पूरे में ही डिस्ट्रीब्यूट करा है. फिर एक 1 कूलम और लेके आए, फिर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर 1 कूलम लेके आए, फिर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ऐसे 100 टाइम्स लाऊंगा तो पूरा चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब हमको पता है हम 1 में नहीं ला सकते. बहुत छोटा चार्ज क्या होता है? 1 थोड़ी ना होता है, डी क्यू होता है. समझ रहे हो? तो अपन क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज को लाऊंगा, डी क्यू, और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. ऐसे इन्फिनिट टाइम्स करूंगा तो आ जाएगा चार्ज. ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मैंने टी इक्वल टू जीरो पे जीरो चार्ज था. अब किसी टी टाइम पे इस पे कितना चार्ज हो गया? इस पूरे पे स्मॉल क्यू चार्ज हो गया है. ठीक है, इस पे कितना चार्ज हो चुका है? स्मॉल क्यू चार्ज हो चुका है. और यहाँ से इन्फिनिट डिस्टेंस से मैं डी क्यू चार्ज को लेके इस पे लगा रहा हूँ. अभी ऑलरेडी कितना हो चुका है? मान लो 50 कूलम हो चुका है. अभी तुम एक कूलम और लेके आए और स्प्रेड कर दिया. याद रखना, जितनी बार भी लाऊंगा पूरे पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड करूंगा. कितना भी छोटा चार्ज हो उसको पूरे पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड करूंगा मैं. ये आ रहा है समझ में? तो स्मॉल क्यू हो चुका है और मैं डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया और इस पूरे पे क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये समझ में आया क्या सबसे पहले? ठीक है, तो जब इसका इस पे स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी हो चुका है तो पोटेंशियल क्या होता है बताओ इसके? के क्यू बाय स्मॉल आर, ये पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो जब मैं डी क्यू चार्ज को लेके आया तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई इस डी क्यू चार्ज के कारण? वो क्या होगा? इस पर कितना वर्क करने लगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. तो सिमिलर अपन लिख सकते हैं,
डी यू जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई दैट इज नथिंग बट चार्ज इंटू डी क्यू, चार्ज है इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं है ना, जो इसका पोटेंशियल चेंज हुआ है कौन से चार्ज का, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बड़ी है ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आए, जब डी क्यू चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट हुआ, उसको अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब उसके चेंज इन पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी एट सरफेस कितना होता है के क्यू बाय आर है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल कितना है, ये समझ में आ रहा है क्या, मैं डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आया तो उसका पोटेंशियल कितना बड़ा वो लिखा है मैंने, ठीक है, तो मैं जब डी क्यू चार्ज को लेके आया तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल इतना बढ़ गया ना एक तरह से, बाकी सब तो वही है ना, आया तो सिर्फ डी क्यू है, तो इतना इंक्रीमेंट हुआ जब मैं डी क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूँ तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल इतना बढ़ रहा है ना, ये समझ में आया क्या, खत्म क्वेश्चन, तो डी यू इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, नहीं के कैपिटल क्यू मत लिखो अभी, कितना है स्मॉल क्यू हुआ है, डी इक्वल टू आ गया तुम्हारा के क्यू डी क्यू बाय आर, इंटीग्रेट मारो, इनिशियली जब जीरो चार्ज था तब पोटेंशियल कितना आया था सिस्टम का, जब कैपिटल क्यू हो गया तो कितना हो गया यू, तो यू इक्वल टू तुम्हारा आ गया के बाय आर क्यू स्क्वायर बाय टू जीरो टू क्यू, तो यू इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, तो दिस इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ये वाली मेथड एससीबी में दी हुई है, और अगर कभी भूल जाओ तो इतनी सारी कहानी जो बताई तो जाके पढ़ लेना, लिख देता हूँ ये एससीबी में।